बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको यह बताया जाता है कि एसीटोक्लोर जो है मूंजी की फसल में जड़ी बूटियां तलब करने के लिए कम कीमत जहर है, क्या इसका कोई फायदा होता है या नुकसान होता है? बात यह है कि एसीटोक्लोर अगरचे कम कीमत है, 400-500 रुपए में दस्तियाब है, तो ये राइस के मरकजी इलाका है जहाँ पे पानी मुसलसल खड़ा रहता है, 10-20 दिन 50-50 दिन तक पानी खड़ा रहता है, उन इलाकों में तो बिल्कुल ये नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी राइस की टेलरिंग कैपेसिटी जो है ना उसको कम कर देती है। अलबत्ता फैसलाबाद और से लेकर जनूबी पंजाब तक जो मूंजी लगती है जहाँ पे पानी ज़्यादा अरसा के लिए खड़ा नहीं रहता, पानी 2 दिन लगा और 3रे दिन फिर खुश्क हो गया, तो पानी की अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग यहाँ होती रहती है ना, वहाँ पर एसीटोक्लोर के जो इल इफेक्ट्स हैं ना वो ज़्यादा क्या क्या कहते हैं प्रोनाउंस नहीं होते, ज़्यादा नुमाया नहीं होते, ये इन इलाकों में तो की जा सकती है। अलबत्ता याद रखें कि जो प्रोफेशनल काश्तकार हैं, मेरे उनसे दरख्वास्त है कि ब्यूटाक्लोर या जो सेफ हर्बिसाइड्स हैं, काउंसिल एक्टिव है और रिफिट है, इस तरह की जहरें जो है ना इनको तो इस्तेमाल कर लेना चाहिए हर इलाके में, लेकिन एसीटोक्लोर जो है ना ये राइस को स्ट्रेस देती है, इससे बचना बेहतर है।